अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद मेरे भाइयों, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी, खिदमत खल्क एक्सचेंज की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 26 मार्च ट्यूजडे आने के मंगल का दिन है आज। इस वक्त मैं जेबाबाग आसिफ नगर आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नानी माँ है और ये आंटी है जिनके पास मैं हर महीना इन लोगों को राशन लेकर आती थी। लेकिन अफसोस ये बात का है, क्योंकि पिछले महीने भी इन लोगों को मदद दिया ही और एक महीने से बेचारे मेरे को कॉल कर रहे थे कि बेटे चावल खत्म हो गए, अभी तक आप चावल ला के नहीं दिए। बोल के मेरे को खुद शर्मिंदगी हो रही थी अपनी मानिया। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक चावल के थैले का इंतजाम करी हूँ नानी माँ के लिए, और ये नानी माँ के लिए कुछ दवाओं की मदद है, और ये आंटी के लिए चावल का इंतजाम नहीं हुआ, इसीलिए मैं सिर्फ इनको दवाइयों के लिए मदद दे रही हूँ। तो मैं आप तमाम लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, ऐसे कई और बेवा बहनें हमारी, कई ऐसे और ज़ईफ़ औरतें हैं जिनको हम अभी तक मदद नहीं दे सके हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए मदद नहीं आई अभी। इसलिए नानी माँ के पास ही मैं गैस महीने में भी नहीं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि हर महीना मैं आप आके लोगों को मदद देती हूँ आसिफ नगर जेबाबाग में। लेकिन इस वक्त पिछले महीने में नहीं थी लोगों को मदद, इस महीने में भी सिर्फ नानी माँ को ला के दे रही हूँ। अभी आंटी को देना बाकी है और भी कई दूसरे बेवा बहने भी हैं। तो आप लोग चाहे तो इससे कई सारे लोगों की मदद हो सकती है। बेचारे एक आस में रहते हैं, एक इंतजार में रहते हैं कि चावल खत्म होने के बाद में लोगों को फिर से जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी अगर आप लोग आके देना चाहते हैं मदद, तो मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट भी आकर मदद दीजिए, क्योंकि ये लोग वाकई मुस्तहिक हो गए, ये लोग हकदार हैं, ये लोग वाकई में जरूरतमंद हो गए। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं बराबर पूरी इंक्वायरी करके, पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद ही इन लोगों के पूरे आधार कार्ड वगैरह, डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ देखने के बाद ही इन लोगों तक मैं मदद देती हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये बराबर हकदार लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं। इनको इतनी उससे हमारी तरफ से जब इन्हें मदद दी जा रही है, चावल दवाइयों के पैसे, तो सोचिए इनके दिल से बराबर दुआ निकल रही है। ये चावल का थैला पूरा एक महीना इनके घर में चलता है, तो सोचिए एक महीने तक ये लोग जब ये खाना खाते हैं तो बराबर इनके पेट से, इनकी अटरी से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि कई ऐसे बेवा बहने हमारी, उनको आप लोगों को जब हम जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो लोग अगर ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो हकदार हैं, अगर उनकी मदद करेंगे तो बराबर आपको इसका सिला मिलता रहेगा। और इंशाल्लाह आप जो भी नीयत से इनके लिए मदद करें, आपकी नीयत अल्लाह ताला बराबर पूरी करेगा। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, खाना खिलाना या किसी को अनाज देना बहुत बड़ा नेक काम है, बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग इस काम में हिस्सा लेंगे और इन लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। सलाम वालेकुम। देखो भेजा करो, हम लोग बिल्कुल राहत देखते रहते हैं, बिल्कुल लाचार है। आपको दुआ लगेंगी, बहुत बड़ी दुआ लगेंगी, दुआ देते हैं, अतिरंग की दुआ लगेंगी, बहुत बड़ा दर से दर भेजा करो आप, महीने को महीना बराबर भेजा करो। आप मेहरबानी करके जरा महीने को महीना मदद करें तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। हम लोग तो बहुत गरीब हैं, आपके हाथ में बहुत दुआ करेंगे हम लोग। अगले महीने में तो कुछ भी नहीं मिला, अभी भी कुछ भी नहीं है। आप खुद भी आके दे सकते हैं, आप खुद भी जान ले, दरिया भी कर ले सकते हैं आप। नानी माँ थोड़ा 80 साल की उम्र है नानी माँ की, इसीलिए नानी माँ थोड़ा सा गुस्से में आ गए, थोड़ा सा नाराज है उनको, क्योंकि उनको कई दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, एक महीने से कॉल कर रहे थे मेरे को कि मदद नहीं बेटा भी बोल के, थोड़ा छिड़पड़ा गए। जाहिर सी बात है, ज़ईफ लोग हैं, दवाइयों के लिए पैसे जो उन्हें दिया जाता था उन्हें इंतजार में थे, एक आस में है कि मेरी मदद आती बोल के। तो बस आप लोग भी समझ सकते हैं ऐसे लोगों की हालत, थोड़ा ज़ईफ है बेचारे, उनको समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि मैं जिसकी मदद जहाँ पर भी, जैसा कि शादी के लिए कोई मदद आती है तो शादी को बराबर दे जाती हूँ मैं, या कोई पेशेंट के लिए मदद आती है तो उनको बराबर करती हूँ, कहीं खाने खिलाने के लिए मदद करते तो उसमें ही लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके लिए भी अगर मदद देंगे तो बराबर इनको बराबर पहुँचेगी मदद। तो बस आप लोग ऐसे लोगों का ख्याल करिए, क्योंकि हर जिसकी मदद जो है, जिसकी नीयत जो है, उस तरीके का मैं बराबर उनका काम पूरा करती हूँ। और कई सारे और बेवा बहने हैं जिन्हें अभी तक मदद नहीं पहुंची, तो इसलिए आप लोग जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद।